हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में। तो आज का जो हमारा टास्क रहेगा दैट इज टू कंप्लीट वर्स 25-31 ऑफ श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 14। अभी हम पढ़ने वाले हैं कैंटो 1 स्कंद पहला अध्याय 14 14th और वर्स 25th। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्ट की। आपकी स्क्रीन पे 25th वर्स विजिबल है तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। युधिष्ठिर वाच। युधिष्ठिर वाच। कचित् अनाथपुर्यं न स्वजना सुखम् अशते मधु भोज दश आर आर थैंक यू। ट्रांसलेशन प्रिपेयर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर ने कहा मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु बोज दशरह दशारह अराह सत्वता अंधाका अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। मतलब यदु फैमिली के जो जो सदस्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्स मंगलाचरण कर लेते हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम अज्ञानम तिरमिन्दस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सपदितं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुं वैष्णवं च श्री रूपं साग्रजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगण ललिता शिवशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके लेट मी सी आज किनका टर्न है।
आज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिया माता जी एंड रेणु माता जी. ओके नाइस. ओके प्रिया माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? प्रिया माता जी अभी जुड़े नहीं है. रेणु माता जी भी अभी जुड़े नहीं है. वाओ. ओके जीत प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो पढ़ना चाहेंगे. ओके जीत प्रभु आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. जी प्रभु जी. हरे कृष्णा शूर माता महाकचिर स्वस्तायते वाटमारिश मातुल सानु कचित कुचलिया नकडुंडुपी मेरे आदरणीय आदरणीय मेरे आदरणीय नाना शूलसेन पसंद तो है तथा मेरे मामा वासुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है. वेरी नाइस. ओके थैंक यू जीत प्रभु. इट्स गुड दैट आजकल के बच्चे जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और आगे बढ़ते हैं. इट्स वेरी गुड टू सी. तो यहाँ पे बताया जा रहा है अपने दादाजी के बारे में. सूर्यसेन सूर्यसेन ऑफ कोर्स भगवान के दादाजी जिनके पुत्र रहे वासुदेव जिनकी पुत्री रही कुंती और फिर आगे ही वासुदेव से वासुदेव का विवाह होता है. मतलब उनकी और भी वाइव्स थी सेवन वाइव्स जैसे नेक्स्ट वर्स में लिखा है सेवन वाइव्स इन ऑल जिसमें देवकी रोहिणी आपने नाम सुने ही होंगे देवकी से कृष्ण और बलराम होते हैं. तो फिर बलराम को ट्रांसफर किया जाता है माया के योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में. फिर बलराम रोहिणी से होते हैं बलराम जी और सुभद्रा माता. तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण बलराम सुभद्रा है ना. ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वर्स पे आते हैं. Who wants to read? आप अपने रेज हैंड कर दीजिए. जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था तो बेहतर रहेगा वो पढ़े और जो भी पढ़ना चाहे तो प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट लेट मी नो इन द चैटिंग सेशन फास्ट लिटिल फास्ट. ओके आरती माता जी यू कैन अनम्यूट. जी पढ़िए माता जी प्लीज. आर यू देयर? मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रभु जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. okay. हरे कृष्णा. सप्त सवासरस तत्पथन्यो मातुलन्या सहत मजा असते ससनुसा कश्यमाम देवकी प्रमुख स्वयं. तात्पर्य देवकी इत्यादि ट्रांसलेशन देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहने थी बहने हैं है. वे बहने हैं वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं. जी युधिष्ठिर महाराज. हाँ जी ये युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं जब वो देखते हैं कि अर्जुन आ गए हैं और लेकिन थोड़े थोड़े अर्जुन सैडनेस दिख रही है अर्जुन में. तो अब युधिष्ठिर महाराज बड़े आउट ऑफ वो था ना हालचाल पूछ रहे हैं क्यूरियोसिटी पूछ रहे हैं सब ठीक तो है ना सब ठीक तो है ना वो ठीक है ये ठीक है सब. जैसे होता है आपने भी देखा होगा कई बार ऐसे हमारे रिश्तेदारों में या स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो पहले ऐसे पूछते थे वो ठीक है ये ठीक है सब के बारे में पूछते हैं आपके घर पे ठीक है पापा ठीक है मम्मी ठीक है बच्चे ठीक है. उसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज जी सब एक एक पर्सन के बारे में पूछते हैं जिन जिनका नाम वो स्मरण कर सक रहे हैं अभी. तो एनीवेज नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं दैट इज 28 एंड 29. यस रेखा अग्रवाल माता जी प्लीज अनम्यूट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कंचित राजा आहुकः जीवति असत पुत्रः अस्य च अनुजः हर्दिकः ससुतः अक्रूरः जयंत गदसारणः आसते कुशलं कंचित ये च शत्रुचित आदय कंचित आसते सुखम रामः भगवान सात्वातम प्रभु. क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित हैं, क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं,
क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजीत प्रसन्न है, भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तात्पर्य, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे, अतः मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय हैं, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश विस्तार हैं और वे सब गुण तथा परिमाण के दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश के सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं, वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा माधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं, उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके ओके, द फर्स्ट पार्ट अबाउट उग्रसेना, उग्रसेन, हु वाज उग्रसेन? उग्रसेन कंस के पिता और देवकी के भी पिता, ठीक है, और देवकी से कृष्ण हुए, जैसा हमने देखा पहले भी समझा है, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे अक्रूर का भी नाम, कई सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पे, अक्रूर, शत्रुजीत, कई सारे तो मुझे भी नहीं पता तो अक्रूर, ही वाज अ चीफ ऑफ कंस, है ना, कंस जो थे उनके जो चीफ थे, विष्णु ही क्लैन में से भी ये भी थे, तो अक्रूर की भी बहुत अच्छी कथा हमें भागवत में देखने को मिलती है। इवन वृंदावन में आप जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, तो अक्रूर घाट भी है एक, तो अक्रूर को पूजा भी जाता है, बिकॉज ये भी भगवान को, कृष्ण और बलराम को देखने की चाह रखना चाहते थे, तो कंस ने बोला जाओ मथुरा वासियों को सबको बुलाओ उनके पास, तो कृष्ण और बलराम को ये मतलब बुलाने के लिए आए, तो और कृष्ण बलराम ने जिस घाट पे इनको अपना दर्शन दिया, भगवान ने अपना दर्शन दिया नारायण स्वरूप का, तो वो घाट वहाँ अभी भी, वहाँ पे बहुत सारी मतलब विजिटर्स आते हैं, डिवोटीज आते हैं। तो एनीवेज, फिर अभी यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे बताया श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं अबाउट हस्तिनापुर, द कैपिटल ऑफ पांडवास वाज सिचुएटेड समवेयर नियर प्रेजेंट दिल्ली एंड द किंगडम ऑफ उग्रसेन वाज सिचुएटेड इन मथुरा। व्हाइल रनिंग टू दिल्ली फ्रॉम द्वारिका, अर्जुन मस्ट हैव विजिटेड द सिटी ऑफ मथुरा, है ना, सो मतलब वो रास्ते में ही आता है, तो इसलिए वो मथुरा वासियों के बारे में, एंड ऑल ही इज इंक्वायरिंग अबाउट द किंग मथुरा एज वेल, वो मथुरा वासियों के बारे में पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। एनीवेज, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है अबाउट विष्णु तत्व, दैट इज ये बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान बलराम, भगवान का शब्द उपयोग हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। हमने बताया था भगवान अवतार लेने से पहले विस्तार करते हैं, तो विस्तार बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम के आगे और भी चार हमें अवतार देखने को मिलते हैं या विस्तार देखने को मिलते हैं, जिसको संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, कौन सा भूल गया मैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, आई स्किप्ड वन, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? संकर्षण, ओके, कृष्ण विस्तार करते हैं बलराम, और बलराम से चार फॉर्म्स आती है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। यस, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये जो कहलाया जाता है, इसको वैभव प्रकाश भी कहा जाता है, और शिला प्रपाल यहाँ पे बता रहे हैं प्रकाश विग्रह भी कहा जाता है, दीज आर द प्रकाश विग्रह ऑफ कृष्ण। तो आगे हमें अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के बारे में भी देखने को मिलेगा,
वो भी पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे बताया जा रहा है विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश हैं और वह सब गुण तथा परिणाम की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं। जीव अंश मतलब जीव शक्ति हम, और वह जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। हमारे साथ साथ हम से मतलब होता है ब्रह्मा से लेके सब देवी देवता से लेके चींटी तक हम भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्तियां तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उससे संसार का अधम जीव समझा जाता है। अधम जीव मतलब कंडेम्ड सोल, जिसकी निंदा ही की जा सकती है। तो इसलिए देवी देवताओं को भी भगवान के तुल्य या भगवान के बराबर समझना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। नाम 10 नाम अपराधों में भी आता है, वहां पे इसका भी वर्णन होता है। भगवान शिव को भी अगर उनके तुल्य समझा जाए या कंपैरिजन किया जाए, ये अपराध होता है भगवान शिव के प्रति भी और भगवान कृष्ण के प्रति भी। तो इसको समझना हमें, ठीक है। वैष्णवों को कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें कई बार हमें समझ में नहीं आती है, अरे ये वहां क्यों लिखा है, वो यहाँ पे क्यों लिखा है, उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक धैर्य वैष्णव के पास जाके उन सारी चीजों को क्लियर करना चाहिए। सब चीजों का समाधान होता है, कोई चीज कंट्राडिक्ट नहीं करती है। कई कबार हमारे बुद्धि इतनी नहीं होती कि उसको समझ सके, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है, हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमारे हर कार्य इम्परफेक्ट है, तो हम शास्त्रों को कैसे समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी और अन्य संतों ने भी यह कहा है शास्त्रों को अगर पढ़ना है तो एक भक्त के निर्देश के और अंडर उनके कंसल्टेशन में ही पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट कंसल्टिंग विद द डिवोटी। ओके, तो यहाँ बताया गया है, फिर बोल रहे हैं बलराम, श्री राम तथा बलराम, भगवान बलराम का दूसरा नाम राम भी है, श्री राम या बलराम। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जब पढ़ते हैं वैष्णव के अनुसार, वहां पे जो राम शब्द का उपयोग हो रहा है वो बलराम जी के लिए हो रहा है। बट कई सारे डिवोटीज भगवान राम का उस वक्त स्मरण करते हैं, वो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, तो वो भी अच्छी बात है, जैसा हमें अच्छा लगे। द मेन थिंग इज वी शुड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ बताया जा रहा है बलदेव एक्ट एज ए स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल डिवोटीज। यस, जो बलराम है, नित्यानंद प्रभु है, समस्त भक्तों के गुरु के समान है, तो इसलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि भगवान चैतन्य के जब चैतन्य महाप्रभु जब इस दराधाम पर अवतरित हुए, ड्यूरिंग दैट टाइम बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, प्रकट हुए थे, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु ने कृपा बरसाई, चैतन्य महाप्रभु ने भी बरसाई। चैतन्य महाप्रभु ने हमें नित्यानंद प्रभु दिए और नित्यानंद प्रभु ने हमें चैतन्य महाप्रभु दिए, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने हमें श्रील प्रभुपाद दिए। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने एज अ गुरु की भूमिका निभाई और जगाई मदाई का उद्धार किया, उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने एज ए गुरु हम जैसे कलयुग के जगाई मदाइयों, जो कि उस टाइम पे दो थे, अभी तो पूरा संसार जगाई मदाई जैसा है, हम हमारा उद्धार करने के लिए आए। क्या अब हम उसके योग्य बनेंगे, उस उद्धार को एक्सेप्ट करके, उस कृपा को स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे, वो हम सब तक है। कैसे सफल बनाना है, श्रील प्रभुपाद के निर्देश अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कम से कम 16 माला हर दिन करना है, उसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जैसे अन्य ग्रंथ को पढ़ना है विद तात्पर्य, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, और जितना अपने बेस्ट हो सके उतना देके इन सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है, और दीक्षा एक प्रामाणिक गुरु से लेके अपने जीवन को सफल बनाना है। वेरी इजी, समटाइम्स इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट। ग्रेजुअली पेशेंटली डेडिकेशन चाहिए, सब कुछ हो जाता है। हम उसी इसमें उत्साह है, इसमें एक आनंद है, बस आप इसको अपने जीवन में धारिये तो सही, मतलब एक उतारने का प्रयास करिए। देखिए इसमें आपको पता चलेगा दैट आपके जीवन में कोई लक्ष्य है। आगे पीछे देख लीजिए, अपने संसार में कोई अपने फ्रेंड्स को देख सकता है, ऑफिस मेट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज मेट्स को, स्कूल मेट्स जो भी हैं, आगे पीछे देख लीजिए, अपने घर वालों को, अपने सगी संबंधियों को, जो आध्यात्मिकता में नहीं है उनसे पूछिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या बोलेंगे। कोई बोलेगा मेरे को IAS बनना है, कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा मुझे टीचर बनना है, कोई बोलेगा मुझे अच्छी पत्नी बननी है और अच्छा पति बनना है। लेकिन कब तक, सारे ऑक्यूपेशन सारे रिश्ते तो हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं,
असली जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि कृष्ण की प्राप्ति, अपने जो हमारा असली घर है, असली ठिकाना है, गोलोक धाम, भगवान के धाम, वहां कैसे जाना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर, बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और उस चीज को अपने जीवन में ये रखना कि दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज दैट डिवोटीज इज हैविंग सम गोल व्हिच इज परमानेंट, व्हिच इज नॉट टेम्पररी। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अतएव बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं। श्री बलराम यानी कि नित्यानंद प्रभु कृपा अवतार है, जो गुरु के रूप में है, यानी कि गुरु भी कृपा अवतार है ना। शुद्ध भक्तों के ये क्या लिखा है, ये मेरे को पढ़ना नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं, अनम्यूट करिए, इज शी कनेक्टेड, लेट मी सी। त्राता, त्राता के रूप में, त्राता मतलब सेवियर ना, बचाने वाले। तारने वाले है ना, वही सेवियर मतलब एक जो बचाते हैं आपको, आपको गोलोक धाम लेके जाते हैं, सेवियर ऑफ द प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्तों के दाता के रूप में प्रकट होते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड गुरु की कितनी अहम भूमिका है यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद उसी भाव को रखे हुए ये तात्पर्य लिख रहे हैं। तो नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट वर्स। ओके, लेट मी सी कौन पढ़ना चाहता है, किसने रेज किया हैंड। ओके, परवीन माता जी, कोई और डिवोटी जो पढ़ना चाहे, परवीन माता जी प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, प्रद्युम्न सर्व वर्षिणानां सुखमास्ते महारथ, गंभीर रयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत। वृष्णिकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तात्पर्य, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं और इस तरह वे दोनों ही विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न और तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। ठीक है, अभी हम उसी चीज को डिस्कस कर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे कि भगवान के जो विस्तार हैं, यानी कि ये भी भगवान के समान नहीं है, भगवान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन मूल जो है भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, दैट इज टू रीड 31 वर्स। ओके ओके, रेणु माता जी भी आ गए, प्रिया माता जी भी आ गए, आप दोनों ही लेट हुए हो। चलिए रेणु माता जी आप पढ़ लीजिए, प्रिया माता जी कल पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुषेना चारु देशनः च सांबा जांबुवती सुतः, अन्य च कार्षिणी प्रवरासा पुत्रा ऋषभ आदयः। कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुषेन, चारु देशन, जांबुवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण की 16108 पत्नियां थीं और हरेक को 10-10 पुत्र थे। अतएव कुल मिलाकर 16108 × 10 = 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतएव उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए, और ज्यों ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, त्यों ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए हैं, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव ना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके वाओ, तो आप देख सकते हैं भगवान के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ये आश्चर्य की बात नहीं है। नो नीड टू गेट सरप्राइज, होते ना हम कभी सरप्राइज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ बता रहे हैं भगवान असंख्य जीवों के पिता है, सब तो भगवान का ही है,
तो यहाँ पे ये सब श्रील प्रभुपाद ही बता रहे हैं भगवान, अतएव उनमें कुछ कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान के द्वारका की दिव्य लीला में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे, संगी रूप में बुलाए थे। मैंने हमने बताया था जब भगवान यहाँ दराधाम अपने यहाँ अवतरित होते हैं, दराधाम पर अवतरित होते हैं किसी भी रूप में, वो उनके साथ उनके लीलाओं का आनंद लेने के लिए उनके संगी भी आते हैं, यानी कि उनके शुद्ध भक्त भी आते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री राम के वक्त कितनी बड़ी वानर सेना थी, वो शुद्ध भक्ति तो थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आए उस फॉर्म में। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें सरप्राइज नहीं होना है, वी शुड नॉट बी लाइक अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि कृष्ण का ही सब कुछ है, हम भी कृष्ण के ही हैं। तो असल में हमारे पिता कृष्ण हैं। तो यहाँ बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी सब पुत्रों के नाम नहीं ले पाए, क्योंकि ऑफकोर्स इतने बड़े, इतने नाम तो किसको ही याद होंगे, 16,10,800, दिस इज वेरी बिग नंबर ना। अभी मैं आई वाज एक्सप्लेन लाइक जस्ट इमेजिन जस्ट कृष्ण बोल रहे हैं चलो आज फैमिली पिकनिक पे जाते हैं 16,10,800 तो एनीवेज इसी के साथ हम समझ सकते हैं आज का जो भी अर्थ था श्रीमद् भागवतम का। ओके तो आज हमने 31 तक रखा हुआ है, कल जो हम है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो देन दे कैन आस्क इन चैटिंग सेशन और दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। ओके वी आर हैविंग 5 मिनट्स लेफ्ट, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है इसके रिलेटेड या इसके इससे रिलेटेड ना भी हो, एनी हाउ स्पिरिचुअल हो या आपकी हेल्प कर सके तो लेट मी नो। रितिका माता जी सेइंग अदम मतलब मैं, अदम मींस आई एम, अदम मतलब होता है जो बेचारा, यहाँ लिखा हुआ है degraded, yes, Shivani is saying degraded, yes, talking about me, degraded. Okay, किसी का कोई प्रश्न, किसी का कुछ पूछना है तो they can unmute, otherwise we will end the session. Hare Krishna Sunita Mata ji, Hare Krishna. Prabhu ji, Lord Chaitanya Mahaprabhu ji का birth कहाँ से हुआ था, उनका incarnation किस जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम है, उस टाइम में उनकी माता का नाम क्या था? उस टाइम पे उसकी उनकी माता का नाम सच्ची माता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना शिवानी? एंड वो तो यस सच्ची माता, एंड नवद्वीप में, नवद्वीप में, यस नवद्वीप में, नवद्वीप, वेयर इज नवद्वीप? मायापुर, मतलब मायापुर जब जो, हाँ ओके ओके, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मायापुर इज वेस्ट, ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। मेरा भी सौभाग्य नहीं हुआ कभी वहां जाने का, बट आप प्रे करें हम सब जा सके। एक्चुअली प्रभु जी हम लोग ना ये कोविड के बाद ना वी विल प्लान, यू नो एवरी ईयर हम एक जगह डिसाइड करेंगे, वी ऑल डिवोटीज विल असेंबल एंड विल गो, वहां भजन कीर्तन करेंगे। यस एग्जैक्टली, विश कृष्णा का आशीर्वाद रहा, कृपा रही प्रभुपाद की, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली प्रभु जी, हरे कृष्णा। अच्छा बोल देना सर, अभी मुझे याद है, सच्ची माता प्रांदन गोर हरी, सच्ची माता प्रांदन। ओके एनीवेज शुड वी एंड टुडे सेशन, तो चलिए फिर हम एंड करते हैं, किसी का कुछ पूछना नहीं है तो देन ओके चलिए आज का सेशन हम 2 मिनट पहले एंड कर रहे हैं, कल मिलते हैं। रितिका माता जी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? Like you always say Prabhuji, like we are degraded soul, we are degraded soul, मतलब जैसे अभी आपने बोला आपके लिए कि आप हैं, तो उस तो how तो pure devotee की definition क्या होती है, मतलब मेरे को this is like you know, आप Google search कर लेना। अच्छा ठीक है, आप लिख देना pure devotee, आप अभी just let me see show you the practical. आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड जस्ट गिव मी सेकेंड, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था पहले, पता नहीं अभी भी आता होगा, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, उसी तरीके से मेरा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना भी स्लो है और उसी तरीके से मेरा सिस्टम भी स्लो है। तो एनीवेज जस्ट लेट मी ओपन,
हम तो बोलते हैं, आपको पता है गूगल इज ऑल्सो, गूगल भी डिवोशन में आ चुका है अभी. डू यू नो दैट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. देखिए क्या बता रहे हैं. Who is a pure devotee? Now just see the images. मैंने लिखा pure devotee. So he is a pure devotee. Right. बोले श्रील प्रभुपाद की जय. जय. तो चलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. जय. हरे राम हरे राम राम राम. Oh, you look so weird.